अस्सलामुअलैकुम भाई, पिछला व्लॉग जो कि मैंने अजरक बेकिंग से दिया था आपको, उसमें जो है ना एक चीज़ मैंने जानबूझ के नहीं डाली थी, और वो थी अजरक मेकिंग के दौरान जो ब्लॉग बनता है वो किस तरह बनता है और उसकी कार्विंग कैसे होती है। तो चलें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अजरक मेकिंग के लिए जो ब्लॉग बनाया जाता है उसकी कार्विंग कैसे होती है। आप मुझे बताएं, अगर आप 8 घंटे काम करें दिन में तो कितने दिन में तैयार होगा ये? 5-6 दिन में होगा तैयार। अच्छा, ये ब्लॉग 5-6 दिन में तैयार हो सकता है। ये देखिए, ये है कितने खूबसूरत डिजाइनिंग्स वाली ये स्टैम्प्स हैं जो कि अजरक के लिए खास तौर पे कार्व की जाती हैं। ये पूरा बॉर्डर है इसका, इतना नफीस काम है ये। और सबसे मज़े की चीज़ ये देखिए आप, ये है तोते वाली स्टैम्प, और ये है तितली वाली स्टैम्प। तितली वाली स्टैम्प है, और मेरे भाई ने एक मुझे दिखाई है, ये है ऊंट वाली स्टैम्प। अरे वाह, ये है एक डांसिंग डॉल की स्टैम्प, ये देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत है भाई, जबरदस्त। और ये स्टैम्प इतनी जबरदस्त है, ये देखिए आप, ये स्टैम्प पूरी बूटियों की स्टैम्प्स हैं, और ये पूरे बॉर्डर्स की स्टैम्प्स हैं। ये स्टैम्प्स मैंने आपको दिखाई थी पहले, और ये पर बाकी बात में अब मैंने दिखाई है ये स्टैम्प्स, यहाँ पे रख रही हूँ संभाल संभाल के। आपने अजरक मेकिंग के लिए ब्लॉक जो बनते हैं उसकी कार्विंग तो देख ली, अब आए आपको दिखाती हूँ एक और बहुत ही यूनिक चीज़ जो कि मुझे पहले नहीं मालूम थी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने पहले देखी है, वो है नेचुरल डाई। आपने कभी सुना है कि नेचुरल डाई से कपड़े रंगे जाते हैं, और नेचुरल डाई जो कि इको फ्रेंडली है वो जो है कितना खूबसूरत प्रिंट कर सकता है, मैं दिखाऊं आपको। चलिए देखते हैं कि नेचुरल डाई में कपड़े कैसे रंगे जाते हैं, और जो है वो उसके रंगने के बाद खूबसूरत प्रिंट आता है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम लाल बख्श। लाल बख्श, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल से ये काम कर रहे हैं। डाई बनाते हैं, डाई बनाते हैं जो सफ़ेद है वो चूने की प्रिंट में से बनाते हैं, और जो ब्लैक है वो लोहे की जंग में से बनाते हैं, और लाल जो है फिचकड़ी में से बनाते हैं, ठीक है, और ग्रीन जो है यूकलप के पत्ते और हल्दी के छिलके, हल्दी पका के फिर वो बनाते हैं ग्रीन, इस तरह से अलग अलग कलर बनाते हैं। तो ये तो सब नेचुरल कलर हो गए ना, तो आप लोगों ने इसका मतलब है आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं करते हैं? इसमें नहीं होते, सूट में नहीं होते, तो ब्लैक प्रिंट कलर वो अलग होते हैं, और नेचुरल डाई कलर अलग होते हैं। आलू बुखारे का होता है, बबरू का होता है, बबर नहीं दरख्त होता है, हाँ। उसमें से गूंद निकलता है। अच्छा, गूंद है, गूंद है। इसका क्या करते हैं? इसके वाइट कलर बनाते हैं। अच्छा, इसका वाइट में चूना डालेंगे फिर पेस्ट बनेगी। अच्छा, इसमें चूना डालेंगे फिर वाइट पेस्ट बनेगी, और आलू बुखारा बनेगा उसमें चूना डालेंगे खिचड़ी तो वो लाल बनेगी, इस तरह से अलग अलग गूंद है। और जो एक लय का बीज होता है, उसका बीज होता है वो पीस के देते हैं कपड़े को बेस बनाने के लिए, उसको साकुन कहते हैं। अच्छा, तो गोंद और चूने का पेस्ट बनाएंगे तो वाइट कलर आएगा, वाइट कलर आएगा। जी जी, क्या ये बड़ी मजे की बात बताई आपने मुझे। ये देखिए आप, हल्दी और अनार के छिलकों से रंग बना रहे हैं। इसमें दो कलर बनेंगे, येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन। तो लाल बख्श भाई, मुझे बताएं फिर, ये तो बड़ा जबरदस्त टेक्निक है, ये तो सीखनी चाहिए लोगों को। टेक्निकल काम है, बहुत सारा काम, लोग आते हैं सीखने के लिए भी आते हैं, कुछ वहाँ पर जाते हैं सिखाते भी हैं बंदू को, अगर किसी को शौक है तो हम करवा देते हैं काम। अरे वाह, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद फिर कपड़ा डालेंगे, फिर उसमें येलो आएगा, ग्रीन आएगा कलर। गुड,
डाई इधर इधर करते हैं। अच्छा, डाई इधर करते हैं। डाई करने के बाद धुलाई करेंगे, फिर जाके तैयार करेंगे। अलग अलग चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि मुझे पूरा यकीन है इससे पहले किसी ने इतना डिटेल में तो नहीं बताया होगा कि जो अजरक के ब्लॉक्स हैं वो बनते कैसे हैं, अजरक के प्रिंट के, और जो नेचुरल डाई है वो कैसे होता है, और उनके क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे यकीन है कि आप भी नेचुरल डाई वाले ड्रेसेस, मेरे नज़दीक तो वो इको फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली ड्रेसेस लेंगे या फैब्रिक लेंगे। ठीक है, तो चलना नेक्स्ट व्लॉग मिठियारी से, मेरा दूसरा व्लॉग आने वाला है जल्दी, वेट कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।